नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आइए हम लोग चार लाइन से आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। आपको भटकाने के लिए, आपको अपने लक्ष्य से केंद्रित ना हो पाने के लिए तमाम सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन उन सारे ऑप्शन को छोड़कर आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित बने रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहिए। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई। आपके ऑप्शन है, पहला 1000 करोड़, दूसरा 1200 करोड़, तीसरा 1500 करोड़, चौथा ऑप्शन दिया गया है 1600 करोड़। इसका जो सही आंसर होगा यह आपका होगा 1600 करोड़। आइए आयुष्मान योजना के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर ले थोड़ा। आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत योजना, योजना 1 अप्रैल 2016 में प्रारंभ की गई झारखंड के रांची से। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। योजना है और इसमें 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा होता है। इस प्रश्न के द्वारा आपको जो पूछा गया कि कितनी धनराशि खर्च की गई, उसमें 1600 करोड़ की धनराशि खर्च की गई। यहीं पर आयुष्मान भारत योजना के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की तो 1 अप्रैल 2016 से प्रारंभ की गई और झारखंड रांची से विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है ये, और 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बहुपक्षीय एजेंसी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी ने अपना ऑफिस खोलने वाली पहली संस्था बन गई। आपके ऑप्शन है यूनेस्को, दूसरा WTO, तीसरा एशियाई विकास बैंक, चौथा न्यू डेवलपमेंट बैंक। यहां आंसर जो होगा आपका आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। यहीं पे अगर हम अन्य संस्थाओं के बारे में जाने तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई। मुख्यालय पेरिस में। साथ ही साथ अगर WTO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो इसका मुख्यालय है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ। 1 जनवरी 1995 में हुआ। साथ ही साथ इसके सदस्य देश कितने हैं, तो इसके सदस्य देश जो हैं 160 सदस्य देश हैं। और इनकी पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई है, जो कि परीक्षाओं में पूछी गई है, तंजानिया की है, नाकोंजी ओकोंजो इवेला, जो पहली महिला अध्यक्ष हैं। यही एशियाई विकास बैंक के बारे में बात करें तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई, तो 19 दिसंबर 1966 को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो आपका है ये आपका मनीला फिलीपींस। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 14 जुलाई
2014 में किया गया और इसका मुख्यालय जो है शंघाई चीन में है और इसके महासचिव जो है वो केवी कामत हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में मेडागास्कर में अधिक भीषण चक्रवात आया, उसका क्या नाम है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जवाब है, साहिन है, गुलाब है और इमनाती है। इसका सही आंसर जो आपका होगा वो होगा इमनाती। यहां पर कुछ और चक्रवातों के नाम दिए गए हैं, जैसे पहला दिया गया है जवाद चक्रवात। ये अक्टूबर 2021 में आया और ये कहां आया? बंगाल की खाड़ी में। और इसका नाम जो दिया गया था, इसका नाम सऊदी अरब ने दिया था। यहीं पे अगर बात करें शाहीन, तो भी अक्टूबर 2021 में आया था और ये आया था अरब सागर में। और इसका नाम जो दिया था, इसका नाम कतर ने दिया था। अगर गुलाब की बात करें तो ये सितंबर 2021 में आया था और ये भी अरब सागर में, और इसका नाम जो है पाकिस्तान ने दिया था। यहीं पे अगर हम मेडागास्कर के बारे में बात कर लें, तो मेडागास्कर जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी एनंतरीबो है। और मेडागास्कर जो है विश्व में चौथे स्थान पे, मतलब द्वीपों के रूप में सबसे बड़े चौथे क्रम का है। तो अन्य तीन कौन है? तो पहला है ग्रीनलैंड, दूसरा है न्यू गिनी, तीसरा है बोर्नियो और आपका चौथा है मेडागास्कर। इतनी जानकारी आपको यहां से प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन आपका देखें तो अगला है निकर्षण सदन नामक डेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? आपके ऑप्शन है विशाखापट्टनम, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा गोवा, चौथा गुजरात। तो इसका सही आंसर जो होगा वो विशाखापट्टनम होगा। और विशाखापट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश में है। अब आंध्र प्रदेश में है तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्थान के जगह पे नाम बदल के किसने किया? तो इसको केंद्रीय मंत्री हैं सर्वानंद सोनेवाल। इन्होंने निष्कर्षण सदन नामक डेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया। अगर यही हम बात कर लें तमिलनाडु के बारे में, गोवा के बारे में, गुजरात के बारे में, तो गुजरात में गिर नेशनल पार्क। और गोवा के बारे में बात करें तो महावीर स्वामी नेशनल पार्क। और तमिलनाडु के बारे में बात करें तो गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, भारत सरकार ने किस दिन को वार्षिक पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया या आयोजन किया? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं 24 फरवरी, 19 फरवरी, 4 फरवरी, 27 फरवरी। आपका आंसर जो होगा वो 27 फरवरी होगा। अभी जल्द ही हम लोगों ने एक क्वेश्चन
के रूप में देखा था 27 फरवरी को कि प्रोटीन दिवस के रूप में, प्रोटीन दिवस के रूप में किस दिवस को मनाया जाता है, तो 27 फरवरी को। तो पोलियो, राष्ट्रीय पोलियो दिवस जो है वो भी मनाया गया 27 फरवरी को, इसी कारण इसे पोलियो रविवार का नाम भी दिया गया, पोलियो रविवार, रविवार का नाम भी दिया गया का नाम। ये पोलियो जो है, पोलियो वायरस के द्वारा, वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। और अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। और सबसे पहले पोलियो का टीका जान साल्क नामक वैज्ञानिक ने, जान साल्क नामक वैज्ञानिक ने, नामक वैज्ञानिक ने 1952 में परीक्षण किया और 1955 में इसको तैयार किया था। अब अगर 4 फरवरी के बारे में देखें तो विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस दिवस 19 फरवरी में राष्ट्रीय मृदा 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 स्वास्थ्य स्वास्थ्य दिवस, और अगर 24 फरवरी को देखें तो केंद्रीय केंद्रीय उत्पाद उत्पाद और शुल्क दिवस, और शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में यूएस चैंबर द्वारा प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्रथम 3 देशों में कौन है, तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं यूएसए, यूके, जर्मनी। दूसरा दिया गया है स्वीडन, चीन, अमेरिका। तीसरा दिया गया अमेरिका, भारत, चीन। चौथा दिया गया फ्रांस, अमेरिका, चीन। इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा यूएसए, यूके, जर्मनी। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि जो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है वो कौन जारी करता है, तो वहां पर आपका आंसर होगा यूएस चैंबर। और आपके भारत के परीक्षाओं के दृष्टिकोण में तो वहां पूछ लेता है कि जो आर्थिक बौद्धिक संपदा सूचकांक है उसमें भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान 2022 में आपका 43वां है, भारत का स्थान 2022 में 43वां है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। और हाल ही में चर्चा में रहा स्विफ्ट प्रणाली का शुरुआत कब हुआ, तो यहां ऑप्शन आपके दिए गए हैं 1973, 1980, 1986, 1972। तो आपका जो सही आंसर होगा 1973 होगा। 1973 में स्विफ्ट प्रणाली की शुरुआत की गई। ये स्विफ्ट है क्या, इसको जान ले। तो स्विफ्ट प्रणाली जो है ये विश्व में जितने भी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उन बैंकों में संदेश का आदान प्रदान सुरक्षित तरीके से होता है। अब इस समय जो विश्व में एक माहौल बना हुआ है रूस और यूक्रेन के विवाद का, उस विवाद को लेकर यूएन ने ये घोषणा की है कि रूस के कुछ अधिकृत बैंकों को स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाए या उनसे उनको निकाल दिया जाए। इसी के संबंध में ये चर्चा में है, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक है। अब स्विफ्ट का जो फुल फॉर्म सबसे पहले हमको जानना चाहिए, तो स्विफ्ट का जो फुल फॉर्म है आपका फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये स्विफ्ट का फुल फॉर्म है। अब स्विफ्ट का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1973 में पता चल गया। अब इसी क्रम में कुछ चीजें और भी दी गई हैं, जैसे 1980 दिया गया है, 1986 दिया गया है, 1972 दिया गया है। तो ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से या पर्यावरण वाले पोर्शन में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 1986 जो है ये पर्यावरण संरक्षण नियम आया था, पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण संरक्षण अधिनियम आया था, अधिनियम आया था। और 1972 में वन्य जीव संरक्षण 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 अधिनियम आया था। अधिनियम आया था और 1980 में
वन संरक्षण, वन संरक्षण संरक्षण अधिनियम अधिनियम आया था। अब यहीं पे 73 में अगर पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में 1973 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कौन सा राज्य समग्र रूप से अक्षय ऊर्जा में शीर्ष स्थान पे रहा है? तो आपके ऑप्शन है, तमिलनाडु है पहला, दूसरा कर्नाटक है, तीसरा गुजरात है, चौथा महाराष्ट्र है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तमिलनाडु होगा। विगत वर्षों में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कर्नाटक जो प्रथम स्थान पे था, अब उसको पीछे करते हुए तमिलनाडु प्रथम स्थान पे आ गया है। आपको ये कर्नाटक के बारे में बात करें तो कर्नाटक में कोलार की खान है, और ये खान, कोलार की खान जो है सोने की खान है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कोलार की खान कहां स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। किससे संबंधित है, तो सोने की खान से संबंधित है। यहीं पे आपका गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में भी बात की जा रही है। तो गुजरात के बारे में अभी हमने आपसे शेयर किया कि गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, और बधावन आपकी आर्द्रभूमि जो रिसेंटली आपकी बनी हुई है वो भी गुजरात में स्थित है, और महाराष्ट्र में औरंगाबाद एक स्थान है जहां बीबी का मकबरा है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा जिसे ताजमहल की भद्दी नकल के नाम से जाना जाता है, और ये औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अब ये गुजरात से संबंधित एक क्वेश्चन और भी है कि गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों 1 मई 1960 को स्थापित हुए थे। इसी नाते प्रतिवर्ष 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक साथ अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण कहां किया गया? और आपका ऑप्शन है सऊदी अरब, यूएई, अफगानिस्तान, इंग्लैंड। तो इसका सही जो आंसर है आपका यूएई। और यूएई की राजधानी की बात अगर करें तो अबू धाबी है। सऊदी अरब की बात करें तो इसकी राजधानी रियाद है, और सऊदी अरब में एक मरुस्थल है जिसे रब अल खाली मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और अफगानिस्तान की राजधानी जो है वो काबुल है, और आपका जो इंग्लैंड है इसकी राजधानी लंदन है। इस क्वेश्चन के द्वारा इतनी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। अगला है, हाल ही में किस संस्था द्वारा रामा लिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप का योजना प्रारंभ किया गया? तो आपके जो आंसर दिए गए हैं, विकल्प ए दिया गया है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विकल्प बी दिया गया है सूचना एवं प्रसारण विभाग, विकल्प सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, और विकल्प डी दिया गया है जनजाति मंत्रालय। तो यहां पर आपका जो सही आंसर है वो जैव प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है। इस तरह से हम लोगों ने आज का सेशन जो 10 क्वेश्चन के पर आधारित था हम लोगों ने देखा, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन पाए उनको हमने सॉल्व करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और आप अपना प्रेम और स्नेह इसी प्रकार से चैनल पर बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।